यूपी समेत देश के कई राज्यों में बारिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां बरेली में चार दिनों से हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। एसएसपी ऑफिस से लेकर नगर आयुक्त का घर, एसपी सिटी का घर भी पानी की चपेट में आ गया। ये तस्वीरें देखिए, कितना पानी लोगों के घरों के भीतर घुस गया है। कई इलाकों में घरों में पानी घुसा है। ये रिहायशी इलाके देखिए, कितना जल जमाव यहाँ पर हो गया है। लोगों के घुटनों तक पानी था। और यही हाल अस्पतालों का है, पुलिस चौकी का है। जिला अस्पताल भी पानी की चपेट में है और तालाब बन गई है सड़क। गड्ढे देखिए कितने हैं सड़क पर। प्रशासन की पोल खुल गई है बरेली में लगातार हो रही बारिश से। सड़कों पर पानी ही पानी है, घरों में पानी है, अस्पताल में पानी है, पुलिस चौकी में पानी है। बरेली की कई पॉश कॉलोनियों में भी पानी भर गया है। और ये पुलिस चौकी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घुटनों से भी ऊपर लोगों के पानी आ गया है। घरों का हाल देखिए क्या हुआ है, लोगों का जीना मुहाल है। तो यूपी के बरेली में बारिश से बुरा हाल है। और अब आपको काशी नगरी वाराणसी लिए चलते हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर कल से स्थिर है, लेकिन गंगा में बाढ़ की विकरालता बनी हुई है। गंगा की बाढ़ से मंदिर डूब गए हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गंगा किस तरह उफान पर है, लेकिन खतरे के निशान से फिलहाल नीचे है। और ये मंदिर देखिए डूब गया है प्रचंड पानी में। गंगा का जलस्तर 65.78 मीटर पर कल से रुका हुआ है। हालांकि अभी खतरे के निशान 71.26 मीटर से ये काफी नीचे है। और वाराणसी के घाट की तस्वीरें देखिए, मंदिरों में पानी आ गया है, गंगा उफान पर है। गंगा में नाव चलाने पर आपको बता दें रोक लगा दी गई है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए एनडीआरएफ के जवान लगा दिए गए हैं। वाराणसी के घाट पर मंदिरों का क्या हाल हुआ है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और अब कृष्ण की नगरी मथुरा की बात करते हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने से यमुना किनारे के रिहायशी इलाकों में पानी पहुंच गया है। कितना पानी है देखिए, रिहायशी इलाके हैं, कई मकान पानी में डूबे हुए हैं और लोग परेशान हैं, धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जिलाधिकारी ने दौरा भी किया। लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। यमुना उफान पर है, हालांकि खतरे के निशान से अभी नीचे है यमुना का पानी। और यमुना के खादरों में बने घरों में पानी घुस गया है। प्रशासन यही अपील कर रहा है कि लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। खादर में बने घरों में यमुना का पानी घुस गया है। उफान पर है यमुना नदी। यूपी के मथुरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि खतरे के निशान से अभी नीचे है, लेकिन रिहायशी इलाके यमुना के पानी की चपेट में आ गए हैं। रिहायशी इलाकों तक यमुना का पानी पहुंच गया है। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको उत्तर प्रदेश के ही कानपुर लिए चलते हैं। बारिश और पानी के बीच एक दिल दहला देने वाली तस्वीर देखिए। कानपुर से यह तस्वीर आई है। कानपुर के ग्वालटोली इलाके की तस्वीरें हैं, जहां गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 नंबर पर फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया गया। 31 जुलाई की ये तस्वीरें हैं, लेकिन सड़क पर पानी भरे होने की वजह से एम्बुलेंस गर्भवती महिला के घर तक नहीं पहुँच पाई। तब इस महिला को ठेले पर बैठा कर एम्बुलेंस तक लाया गया। कानपुर के ग्वालटोली इलाके की 31 जुलाई की ये तस्वीरें हैं। कानपुर में पिछली बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है और हालत इतनी खराब है कि एम्बुलेंस तक इस महिला के घर नहीं पहुंच पाई। इस गर्भवती महिला को ठेले पर बैठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। 31 जुलाई की कानपुर की ये तस्वीरें, ठेले पर बैठकर एम्बुलेंस तक पहुंची एक गर्भवती महिला। उत्तर प्रदेश के बाद रुक करते हैं हरियाणा का। हरियाणा के फरीदाबाद लेकर चलते हैं आपको। यहां भी यमुना रौद्र रूप धारण किए हुए है। बावजूद इसके कुछ युवक जान जोखिम में डालकर शर्त लगाकर यमुना में छलांग लगा रहे हैं। देखिए कैसे दम में ऊपर आ गए ना। कल ऐसा ही एक हादसा हुआ। शर्त लगाकर यमुना में छलांग लगाने वाला युवक तेज बहाव में बह गया।
फरीदाबाद में भी यमुना नदी उफान पर है, उसके बावजूद लोग समझ नहीं रहे हैं, जान जोखिम में डालकर इस तरह के स्टंट्स कर रहे हैं। एक युवक पानी में बह गया, यमुना में बहे युवक की तलाश जारी है। शर्त लगाकर पुल से यमुना में छलांग लगाई थी और अब उसका कोई नामो निशान नहीं है। फरीदाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां यमुना नदी उफान पर है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।